प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। झारखंड सहित देश के दूसरे राज्यों में बिजली का संकट साफ नजर आ रहा है। लोड शेडिंग की वजह से झारखंड सहित देश के दूसरे शहरों में लोगों की रात गर्मी में कट रही है, तो दूसरी तरफ सितंबर से बिजली का बिल बढ़ा हुआ मिल सकता है। बिजली वितरण निगम ने राज्य नियामक आयोग को बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। 15 महीने में नियामक आयोग में सदस्य नहीं होने के कारण इस मामले पर सुनवाई नहीं हो रही थी। अब नए सदस्यों के आ जाने से जून से इस मामले पर सुनवाई होगी। जल्द ही आयोग को अध्यक्ष मिलने की चर्चा भी तेज है। अभी सदस्यों ने ज्वाइन किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी दिसंबर में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने नया बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण आयोग में दो मेंबर ने उपभोक्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की। अब भी राज्य में 19-20 वाला ही टैरिफ लागू है। JBVNL द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 16.17% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। 7 दिसंबर 2021 को JBVNL ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नया एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट के साथ नए टैरिफ का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास जमा कर दिया है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।